Hello everyone. Let us start with a new topic that is regression. Regression जो basically होता है correlation के बाद होता है, because correlation में हम लोग ये find करते हैं कि क्या दो variables के बीच में relationship है या नहीं है. लेकिन regression ये बताता है कि variables के बीच में relationship तो है, लेकिन इनमें से independent variable कौन सा है और dependent variable कौन सा है. इंडिपेंडेंट मतलब होता है जिस वो वेरिएबल जिसके ऊपर दूसरे वेरिएबल का कोई इफेक्ट नहीं है उसको हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं. लेकिन डिपेंडेंट क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मेरी सेल्स पे डिपेंड करता है या सेलिंग प्राइस पे डिपेंड करता है. तो मैं एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, तो सेल्स यहाँ पर हमारा एक तरह से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और सेल्स के ऊपर क्या डिपेंड करता है, प्रॉफिट. तो प्रॉफिट हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल. तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. तो रिग्रेशन बेसिकली क्या करता है, इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ्स, वो मैं भी आपको बताऊंगा कैसे बनाना है. दिस मेथड टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल अगेंस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो यहाँ इसका मतलब क्या है, वेरिएबल्स तो इसमें ये पता है कि दोनों में रिलेशनशिप है, लेकिन इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, तो वो हम आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, मैं आपको सारी स्टैटिस्टिक्स के वीडियो में मीनिंग के साथ आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन लॉजिक यही है कि जब आप प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं तो आपका वाइवा भी होता है, तो एग्जामिनर आपसे ये डिफरेंसेस पूछता है. और वो एक और चीज यहाँ पर पूछ सकता है कि रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है, तो वो होती है बाय इज इक्वल टू ए बी एक्स. तो बाय इज इक्वल टू, तो बाय हमारा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ये रहा एक्स, एक्स हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ए होता है इंटरसेप्ट जो फिक्स्ड वैल्यू होती है, और बी जनरली हमारा होता है बीटा कोफिशिएंट स्लोप, जैसे 0.5 0.6 तो वो बीटा होता है. ठीक है, एक ही डेटा हमें गिवन है जिसके अंदर हमें टेम्परेचर गिवन है, प्राइस ऑफ आइसक्रीम गिवन है और यूनिट सोल्ड गिवन है. तो अब यहां पर देखिए टेम्परेचर कोई डिपेंड नहीं कर सकता टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर किसी चीज पे नहीं डिपेंड करेगा आउट ऑफ दीज थ्री. प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट, तो मैंने यहां पर आपको यहां डी लिख दिया. तो कहने का मतलब क्या है मेरा, कि डी हेयर इज, डी हेयर रिप्रेजेंट डिपेंडेंट वेरिएबल. तो इसका मतलब हम क्या डिपेंड क्या कर रहे हैं कि भाई जो यूनिट सोल्ड होंगी वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी, क्योंकि जितनी ज्यादा गर्मी होगी आइसक्रीम उतनी ज्यादा बिकेगी. तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, यूनिट सोल्ड ऑन टेम्परेचर. जितना जितना प्राइस बढ़ेगा हो सकता है उतनी आइटम्स आइसक्रीम की कम सोल्ड होंगी. तो इन एनी केस जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा क्या हो गया, यूनिट सोल्ड. ठीक है, और ये जो बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए दोनों हो गए, टेम्परेचर एंड प्राइस. तो प्लीज ये याद रखना, बिकॉज अभी ये यूज आएगा हमारा जब मैं अभी इसका आपको आंसर करवाऊंगा. तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर एंड प्राइस. तो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट रिग्रेशन. तो बिफोर डूइंग इट, तो मैं आपको इसमें अगेन डेटा एनालिसिस का हम यूज करेंगे. सो नाउ लेट अस यूज द डेटा एनालिसिस टेक्निक्स, क्योंकि बिकॉज आप देखिए अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू रिग्रेशन करूंगा तो कुछ नहीं आएगा. तो अगर कभी आपको ऐसे कंफ्यूजन हो कि भाई मैं जो फॉर्मूला लगाना है या जो हमें टूल यूज करना है वो अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब वो डेटा एनालिसिस में अवेलेबल होगा. तो इसके लिए सबसे पहले डेटा में जाएंगे, डेटा में यहाँ डेटा एनालिसिस का टेबल आएगा या टैब आएगा. इसमें अब हमें सर्च करना है रिग्रेशन, तो आप किसी भी क्लिक कर दीजिए और आर प्रेस कर दीजिए, या फिर रैंडम नंबर जनरेशन, ये भी नहीं चाहिए. ये देखिए ये आ गया रिग्रेशन, ये रहा, इस पर क्लिक कीजिए. अब ये आ गया देखिए हमारा, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहां पर देखिए इनपुट वाई रेंज और इनपुट एक्स रेंज बोल रहा है. तो इनपुट वाई रेंज मैं आपको बता देता हूँ, इनपुट वाई रेंज इज ऑलवेज फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कौन सा है, यूनिट सोल्ड.
तो मैंने यहां पर इनपुट वाई रेंज कर दिया, मैं भी लिख भी दूंगा नीचे इनपुट एक्स रेंज। तो इनपुट एक्स रेंज मतलब हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप दोनों को इकट्ठे सेलेक्ट कर लीजिए, टेम्परेचर और प्राइस ऑफ आइसक्रीम। ये देखिए मैंने पहले भी पिछले वीडियो में भी बताया था, आप कई बार उसको नेक्स्ट उस पर क्लिक करते हो लेकिन वो पहले वाले पे चला जाता है, तो आपको डिलीट करना पड़ेगा। अब आपको दोबारा सेलेक्ट करनी पड़ेगी इनपुट वाई रेंज किसकी होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल की। अब आप यहां दोबारा क्लिक कीजिए, इनपुट एक्स रेंज किसका होता है, टेम्परेचर प्लस प्राइस। तो ये आ गया देखिए। अब हाँ हमें लेबल्स भी चाहिए, आप सबको टिक कर देना, कॉन्फिडेंस लेवल पे भी टिक कर देना। आउटपुट मैं कहता हूं मुझे इसी शीट पे चाहिए, तो लेट्स से मैं आउटपुट के लिए ये वाला सेल डिसाइड कर लेता हूँ, लेट्स से दिस वन, क्योंकि इसका आंसर ना थोड़ा बड़ा आता है। आउटपुट रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब ये रेजिडुअल आपको जो टीचर बोलेगी आप उसके अंदर ये सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ्स हैं सारे, दीज ऑल आर ग्राफ्स, और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का भी ग्राफ आएगा। तो आप जो भी टीचर, आप जो भी टीचर आपको समझाए आप यहां से वो सिलेक्ट कर सकते हो, बट जनरली हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं, रेसिडुअल, एंड हम सिलेक्ट करते हैं लाइन फिट प्लॉट्स। तो देखिए अगर मैं इसको ये दोनों ही करता हूं और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, लेट अस प्रेस ओके, यू हैव टू वेट फॉर अ सेकेंड। ये देखिए सारे रिजल्ट आ गए आपके सामने, समरी आउटपुट में रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स आ गया, मल्टीपल आर, आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज आपको मिल गई है। स्टैंडर्ड एरर ऑब्जर्वेशन 5 थी हमारी। अभी आपने सीखा होगा मैनुअली अनोवा क्या होता है, ये अनोवा की सारी वैल्यूज हो गई, ठीक है। और ये इंटरसेप्ट आपको शो कर रहा है 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे। ये टेबल बन गया आपका। तो जो हमने चार्ट्स मांगे थे वो चार्ट देखिए ये रहा, ये एक्चुअली स्पेस नहीं था तो इसके ऊपर नीचे एक दूसरे ऊपर वो हो गए हैं, तो आप इसको क्लिक करके भी साइड कर सकते हैं। ये रहा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट, ये रहा प्राइस एंड लाइन फिट चार्ट का, इसको ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, और ये रहा टेम्परेचर लाइन प्लॉट। ये देखिए मैं बीच में से सिलेक्ट कर रहा हूं तो कई बार ये ऊपर आ रहा है, तो आप इसको यहां से सिलेक्ट कीजिए और थोड़ा ऊपर प्रेस कर दीजिए, ये लेफ्ट से यही कर देते हैं। तो देखिए ये हमारे को तीन चार्ट्स बनकर आ गए हमारे। ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट है, और ये ग्राफ्स टीचर आपको बोलता है आप ग्राफ्स बना सकते हैं, मेन हमारी ये टेबल है। तो चार्ट्स आपने बनाना चाहे तो आपने बना दिए। अब देखिए मैंने डेटा एनालिसिस पे दोबारा गया, ओके क्लिक किया, सब कुछ आपने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ, मैं कहता हूँ चलो ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके। अब एक तो चार्ट सौ, अब ये ओवरराइड करने के लिए बोल रहा है क्योंकि आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हो, तो आप चाहें तो लेट से मैं इसको कैसे हेल्प करता हूँ, अब आपको एक नई चीज भी सिखा देता हूँ। लेट से मैं कहता हूँ न्यू वर्कशीट, एक नई वर्कशीट पे दिखा दो, ठीक है। तो नई वर्कशीट, तो ये आ गया ओके। तो देखिए उसी के साथ एक नई वर्कशीट खुल गई रिग्रेशन के साथ ही, शीट वन। ये देखिए ये सारी सारे रिजल्ट यहाँ आ गए, ये आप चार्ट अलग अलग बना कर सकते हैं इसको नीचे ऊपर, ठीक है, ये आपको बताया था ऊपर से करने पड़ेंगे। और ये हमारी कुछ और आउटपुट्स आ गए, रेजिडुअल आउटपुट, प्रोबेबिलिटी आउटपुट, बट ये डिपेंड करता है आपको टीचर, बेसिकली मेरे हिसाब से जो हमने इस वाले उसमें निकाले थे इसी में आएगा। एक तो ये तीन टेबल और मैक्स टू मैक्स ये प्लॉट्स, नॉर्मल प्लॉटिंग, और ये दिस इज हाउ वी कैलकुलेट रिग्रेशन एनालिसिस। तो कहने का मतलब क्या है, मैं आपको यहां लिख देता हूं, इनपुट वाई रेंज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनपुट वाई रेंज में यू हैव टू सेलेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल, और इनपुट एक्स रेंज में यू हैव टू सेलेक्ट जो भी आपके इंडिपेंडेंट, हमारे केस में दो थे तो दोनों लिख दिया, बोथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट रिग्रेशन एनालिसिस। आई होप इट इज वेरी हेल्पफुल बट वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।